प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बाल श्रम रोकने के लिए जागरूकता रैली, बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। पुलिस ने किया बदमाशों को गिरफ्तार, बदमाशों के पास अवैध हथियार बरामद। दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, पीड़िता की मां ने लगाई न्याय की गुहार। शिक्षा का मंदिर बना कमाई का अड्डा, थाना अध्यापक पर कई गंभीर आरोप। बेखौफ चोरों ने आभूषण की दुकान में की चोरी, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस जांच में जुटी। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर मोतिहारी से है, जहां सरकारी आईटीआई कॉलेजों में वर्षों से काम कर रहे लगभग 50 से ज्यादा ऑफिस अटेंडेंट को नई बहाली कंपनी उर्मिला के नए जारी फरमान को झेलने का डर सताने लगा है। और नई कंपनी उर्मिला 2014 से कार्यरत अनुभवी कर्मियों की जगह पर नए कर्मियों की धड़ाधड़ बहाली कर रही है, तो फिर इन पुराने कर्मियों की सुध कौन लेगा। ऐसे में इन कर्मियों को बेरोजगारी का डर सताने लगा है। वहीं इस मामले में आईटीआई कॉलेज में कार्यरत कर्मियों ने बताया कि हम सभी वर्षों से जिले के कॉलेजों में काम कर रहे हैं और अब कॉलेजों में नए कर्मियों की बहाली हो रही है। वहीं इस मामले पर कर्मियों की मांग किया है कि सभी आईटीआई कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत अनुभवी कर्मियों से सेवा ली जाए। अभी हम लोगों को पहले से कम 14-15 साल से काम कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरा कंपनी आई हुई है उर्मिला, इसमें हम लोगों को रहते हुए भी दूसरे आदमी का यहाँ पर योगदान ज्वाइनिंग करके भेजा जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का पहले 5-5 साल से महीना शुरू हुआ, आज बताइए धीरे धीरे हम लोगों का बाल बच्चा हो गया, कैसे काम कर चलेगा। यही रक्सौल में काम करते हैं, यहाँ जो है लगभग 5-6 ITI चलता है, जिसमें सभी जगह पे जितने भी सेंशन सीट था उस पर सभी लोग पहले से कार्यरत है। लेकिन अभी क्या है कि नए कंपनियों का चयन हुआ, हम लोग लगभग जुलाई 2014 से काम कर रहे हैं, समय समय पे कंपनियां बदलती रही और मर्ज भी होता रहा, हम लोग वर्क भी करते रहे। लेकिन अभी एक नई कंपनी आई है उर्मिला, जिसके थ्रू हम लोग को क्या हो रहा है कि वो बिना किसी परमिशन के क्या हो रहा है कि ऐसे ही बदलती जा। खबर नालंदा से है, जहां कौशिक स्कूल फील्ड के जमीन पर सरकारी भवन बनवाने का मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के समक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले एक विशाल प्रदर्शन किया गया। बता दें कि यह प्रदर्शन श्रम कल्याण के मैदान में शुरू होकर नालंदा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। जब विरोध किया गया तो वहाँ की जनता को, चाहे राणा निघा सिवा और कोसुत हो, वहाँ की जनता को पुलिस द्वारा अपमानित करने का प्रयास किया गया। ये हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, 75 साल हो गया और इस 75 साल में अफसरशाही के मद में चूर होकर पुलिस के द्वारा जिस तरह से जनता को अपमानित किया जाता है, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से निंदा करते हुए चेतावनी देना चाहता हूँ जिलाधिकारी को कि इस तरह से अतिक्रमण करके अमन और कानून को तोड़ने का प्रयास नहीं करें। यहाँ और प्रशासन के लोग हैं कि फील्ड में सरकारी भवन बनाने का कौन सा नियम है, अगर नियम है तो पहले श्रम कल्याण के मैदान में बना लें, सुभाष पार्क है उसमें बना लें, तब न जानेंगे कि अब फील्ड को समाप्त करने की प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए हम जिला प्रशासन और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारी भवन का प्रस्ताव है उसको अविलंब वापस करें, और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, स्कूल फील्ड के जमीन पर सरकारी भवन बनवाने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर?
ये पहले भी एक बार हो चुकी थी ऐसा मामला, तो उस समय शांत करा दिया गया था, लेकिन फिर से यह मामला राजनीतिक पकड़ लिया है और इसी को लेकर के यह मुद्दा फिर से मतलब आज अतिक्रमण किया जा रहा था उसी को लेकर के फिर से वहां पर ही बवाल उठा और उस पर रोक लगाया गया। लोगों को कहना है कि अगर स्कूल को भवन बनाना है तो पहले बहुत सारे ऐसा मैदान है जैसा कल्याण चंद्र के मैदान हुआ, सुभाष पार्क हुआ, इस वन पर लोगों ने चर्चा डाला। जी धन्यवाद वीरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। खबर नालंदा से है जहां मद निषेध एवं उत्पाद विभाग के 279 जवानों ने 6 महीने की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त देश और राज्य सेवा के लिए दक्ष हो चुके हैं। वहीं उत्पाद आयुक्त संबंधन के महानिदेशक कार्तिके धनजी ने दीक्षांत समारोह में राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। बता दें इस मौके पर सीआरपीएफ कैंप के पुलिस उप महानिरीक्षक सह प्रचार और कमांडेंट अरविंद कुमार के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि सीआरपीएफ का यह प्रशिक्षण संस्थान जो राजगीर के पावन धरती पर अवस्थित है अपने गौरवशाली अतीत के लिए प्रकाशमान है। मेरे समक्ष बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के 279 जवानों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है। आप सब के लिए यह क्षण विशेष महत्वपूर्ण है। आज से आप एक प्रशिक्षित सिपाही बन खबर भागलपुर से है जहां कहलगांव प्रखंड अंतर्गत किशनदासपुर पंचायत के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा क्लास 9 में रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर जमकर उगाही की जा रही है, जिसको लेकर विद्यार्थी ने प्रधानाध्यापक पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विद्यालय में ठीक तरह से खाना नहीं मिलता है और ना ही अच्छी तरह से पढ़ाई कराई जाती है, विद्यालय को सिर्फ कमाई का जरिया बना दिया है। पढ़ते हो? कौन सा क्लास? रजिस्ट्रेशन कराए? Yes. कितना पैसा लगा? 400। पता है कितना पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन में? 320 रुपया लगता है। कौन लिया है 400? आकाश सर। कौन सा स्कूल है? किस स्कूल में पढ़ते हो? उच्च विद्यालय माध्यमिक। कौन से क्लास में? 9th क्लास। रजिस्ट्रेशन कराई? हाँ। कितना पैसा लगा? 400। हाँ। आपको पता है कितना पैसा लगना चाहिए? नहीं पता है। नहीं पता? सर नहीं बताए कभी? नहीं, सिर्फ बोले 400 रुपया दे दो। हाँ। 320 रुपया है तो सर से। स्कूल पढ़ती हो? 9th में। रजिस्ट्रेशन कराए? कितना पैसा लगा? 400 रुपया। पता है कितना रजिस्ट्रेशन का चार्ज है? नहीं पता है। कौन लिया 400? कौन सर? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, प्रधानाध्यापक द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये स्कूल कहलगांव प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया बनाया गया है, इनको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। इसमें यहाँ के आयुष सर हेडमास्टर है, वहाँ पे खुलेआम, ऐसा नहीं कि खुलेआम, सारे लड़का और लड़की से 400 रुपया लिया गया, जबकि इस पे सरकारी रेट मात्र 320 रुपया है। जब इस विषय में उससे पूछा गया तो उसने बोला कि हम तो हमेशा लेते आ रहे हैं और खर्च कौन देगा, हमारा जाते हैं कहलगांव और आते हैं तो खर्च कौन देगा। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ दिन पहले एक गहरा स्कूल का भी खबर हमारे चैनल के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें डीओ साहब ने उसे शॉक आउट किया गया था। अभी इनके बाद देखा जाएगा इनसे क्या कार्रवाई की जाती है। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। खबर पस
पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मध्य विद्यालय रेलवे नरकटियागंज के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। बता दी है, जागरूकता रैली राज्य के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से प्रारंभ हुई। उसके बाद यह रैली ब्लॉक रोड में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय तक गई, जिसमें बच्चों ने बाल विवाह बंद करो, बाल श्रम बंद करो और हमें शिक्षित करो जैसे तमाम नारे लगाए। जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से 14 नवंबर से 21 नवंबर तक बाल दरबार का कार्यक्रम है, जिसमें आज समापन है और आज चाइल्डलाइन से दोस्ती कार्यक्रम एसडीओ साहब के नेतृत्व में समापन कार्यक्रम। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है ओझल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात। पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज। जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी। सरकार भी लेगी खबर की सुसारी। दिन भर की 4 बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। देखिए 4 बजे की 4 बड़ी खबर सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर 2 बाइक और 2 पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी और बताया कि घेराबंदी कर मझौलिया के 55 पुल से बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने 315 बोर का देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ कई अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष मझौलिया के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और हमारे टेक्निकल से भी उसमें साथ में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में ये सारा ऑपरेशन किया गया। तो वहाँ पे 2 क्रिमिनल पकड़े गए, उनके पास से 1 उजला रंग का अपाची मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर का था। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रही हैं, जिसके बाद भी पुलिस रेप के आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है। बता दें कि पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। हमारा पुलिस हमारे साबिर का लड़का हमारा देवाल तोड़ पर जाकर दोनों लड़का हमारा लड़की साथ गलत काम कर लो। हमारा लड़की आके केस कर उल्टे में पुलिस पकड़ के हमारे लड़की के जेल भी कर दिल, फिर बाद में छोड़ भी दिल। बड़ी मीना देवी पकड़ के लाई तो बाद में बड़ा बाबू छोड़ दिल पैसा लेकर। हमारा कुछ कार्रवाई ना हो लड़की।
खबर मोतिहारी से है, जहां अज्ञात चोरों ने सोना चांदी के आभूषण व नगद सहित लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली और ये सारा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें, क्षेत्र में दो जगहों से चोरी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस भी चोरी के मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। एक बजे के बाद में हुआ था, मालूम हम लोग को 4 बजे पड़ा। अब क्या क्या चोरी हुई है? बंधक का सामान था 10 किलो। कितने पैसे की चोरी हुई है? बंधक का लेकर लमसम 10-12 लाख। 10-12 लाख का। और पुलिस को सूचना दे दी है? लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्रेम प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है, जहां मामूली विवाद में दहेज में भैंस ना देने पर ससुराल पक्ष नव विवाहिता को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना मिलने पर मामले में छानबीन शुरू की और शव का पोस्टमार्टम करा के मायके वालों को सौंप दिया। बता दें, इस घटना के बाद से ससुराल पक्ष फरार है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। कि पापा हम नहीं बचेंगे, उसी बीच में जे हमको बेटा से बात करा दीजिए, पर बेटा से बात किया और कही सी बेटा हम अब नहीं बचेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ उस पर डाउट किया, दिमाग में लग रहे, फिर है जो कि करीब करीब 8 बजे रात में जो कि फ़ोन किया उसका मोबाइल पर, अपनी बेटी की मोबाइल पर, उस मोबाइल को दूसरे को उठाने लगा। बार बार कहें कि हमारी बेटी से बात कराइए, कभी बात कराता है नहीं, कभी काट देता था, कभी पूरा बोलता था ना, हम लोग के डाउट किया। खबर सुपौल से है, जहां किशनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने किशनपुर थाना अध्यक्ष के तत्काल कार्रवाई करते हुए NH-57 कुपाहा टोल प्लाजा के पास ट्रक से तलाशी करने पर लगभग 5,580 लीटर शराब बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक सहित एक व्यक्ति को शराब के मामले में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्षेत्र का मामला है, गुप्त सूचना के आधार पर 4 लेन है, उसी पर एक ट्रक जो है पकड़ा गया है और ट्रक में जैसा कि देख रहे होंगे कि ये वाटर फिल्टर का एक डुप्लीकेट वाटर फिल्टर का मशीन नुमा बनाया हुआ है और अंदर पूरा बॉक्स है, बॉक्स में पूरा का पूरा शराब जो है भरा हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश में निर्मित शराब है
और अरुणाचल प्रदेश में ही बिक्री के लिए ये था। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक,